तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप सारे ठीक ही पाओगे। तो भाई अपने इंडिया में लॉकडाउन हुआ है कोरोना की वजह से, तो भाई प्लीज स्टे होम स्टे सेफ। मैं भाई नए यूट्यूबर हूँ, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा TH10 की, अंदर लाने की। और साथ ही साथ भाई मैं कुछ आपको रिप्ले भी दिखाऊंगा जिससे बढ़िया बढ़िया न्यूज मिले। तो भाई कल भाषा मेरे को बहुत ज़्यादा न्यूज मिली, बहुत कल हर मैच में बढ़िया बढ़िया न्यूज मिल जाती थी। फिर जी लूट देखो थोड़े सी अटैक में दिक्कत हो गई थी न्यूज की। तो आप देख सकते हो इसके अंदर लूट कितनी आई थी। और भाई लो वो और चलने लग रहा है इनके साथ। चलो मैसेज दे दिए हैं सबने, अल्टर यस। तो भाई जो मतलब रशर होते हैं, मतलब पूरे बड़े रशर नहीं, जो थोड़ा बहुत रश कर देते हैं, उनके लिए सुमित 007 ने क्लैन बनाया ब्लैक सन नाम से। 13 लेवल का क्लैन है भाई। तो भाई अगर आपको इस क्लैन में जाना है ना, तो इंस्टा पे IG दीप को फॉलो करो। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आपको। तो भाई देखो भाई इंस्टाग्राम पे IGD यहाँ पर पाएगा आप, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ देना। फैमिली पुणे फाइटर ग्रैंड टैग दे रखा है, रिकवरी इज क्लोज, फॉलो नाउ ट्राई अगेन लेटर, इंस्टाग्राम IGD। तो मतलब देख लो भाई आप, सी दिस, ये भाई Smith 007 वालों का है। तो भाई आज मैं आपको इसमें एडिटिंग करके आज आपको मैं अपने वोट के दो अटैक दिखाऊंगा। देखो भाई मजाक मत उड़ाना। देखो एक तो है इस पे, एक तो मिरर पे और एक 24 पे। देखो TH8, देखो TH8 कहाँ से आ गया भाई, मतलब सोचने की बात है TH8 कहाँ से आ गया इसके अंदर। कुछ नहीं होता, देख लेंगे इसको, वरना यार मैं इस पे कर देता हूँ। इसमें ईडी है एक इलेक्ट्रो डैग। तो मतलब इस स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। देखो 8 तो आपको ड्रैग लेने हैं और 16 लून्स फेंक देने हैं, उसके बाद ड्रैग एक जगह पे टैप नहीं करना, मतलब पूरे टैप करते रहो पूरे साइड में से, पूरा एक होल सा जो होता है ना साइड का वो कॉर्नर पूरा, ठीक है। उसमें सबसे पहले भाई 4 इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, मेरी तो मैक्स है 4 इलेक्ट, वो लाइटनिंग स्पेल। आप जिस साइड से मतलब ये करोगे ना, ये डिफेंस तोड़ दो कोई भी अपनी मर्जी की साइड, मान लो ये तोड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा भाई स्वीपर। देखो ये 2 स्वीपर है ना, तो मतलब इनके पास नहीं, जहाँ पर स्वीपर ना आए ना, सबसे पहले ये करो कि स्वीपर टूट जाए आपके, क्योंकि स्वीपर भाई बहुत ज़्यादा डैमेज ना देते हो पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देते हैं।
मतलब आपको ऐसे करना है जहाँ पर स्वीपर ना हो ना वहाँ पर अटैक मारना है उस साइड से, ठीक है, जैसे ये, ठीक है, ओके। देन अपने यहाँ पर फनलिंग के लिए एक अपनी क्वीन छोड़ दो, मेरी तो 21 की क्वीन है, तो मैं अपनी क्वीन और ताकि ड्रैग भी बाहर ना निकले इसीलिए क्वीन, और यहाँ पर एक बारबेरियन किंग। तो भाई सक्सेसफुली आपका 100% ये TH10 पे आराम से हो जाएगा आपके 100x100। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है भाई, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी। आपको मैं शाम को एक और वीडियो डालूंगा, उसके अंदर आपको बता दूंगा मैं आपकी ये स्ट्रैटेजी, दिखाऊंगा आपको मैं यूज़ करके, ठीक है, लाइव रिप्ले दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो भाई अभी तो मैंने क्लोन्स पैड डाला हुआ है, देखो मतलब मेरी सिर्फ ये 3 छोड़ गए क्योंकि मैं इनका कभी यूज़ नहीं करता, ठीक है, सारी चीज़ मैक्स है यहाँ पर सारी। सबसे ज़्यादा मैं फ्रिज का यूज़ करता हूँ, फ्रिज मेरी मैक्स, फ्रिज का है मेरी, देखो फ्रिज मैक्स है मेरी, फ्रिज यूज़ कर मतलब यार, और वल्क यूज़ करता हूँ। ये भी मेरे को लगाना था, फिर मैं यार मैंने गलती से क्लोन लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, अगली बार मीन एक स्ट्रैटेजी तो भाई है 16 लून्स 8 ड्रैग, ठीक है, 4 लाइटनिंग 1 रेज 1 फ्रिज। CC में आप एक फ्रिज ले सकते हो, एक ED मतलब इलेक्ट्रो ड्रैग और मैक्स, और एक बैलून। SS में सीज में SS ले लो, वॉल रैकर भाई ले सकते हो पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इस अटैक में वॉल रैकर का कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी आर्मी है भाई ये 26 लून्स 2 ये नहीं आर्मी गलत है 2, ठीक है भाई, और 15 मिनियन और बाकी लून्स, ठीक है, इसमें आप सारी रेज वन फ्रिज, ठीक है भाई। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत ज़्यादा अच्छी, हद से ज़्यादा लूट आएगी भाई आपकी। दूसरी है भाई ये 40-1, बहुत ये भी बहुत तकड़ी है स्ट्रेटेजी है, ये क्वीन वॉक के लिए भाई, क्वीन वॉक के लिए स्ट्रेटेजी है ये वाली, क्वीन वॉक आप कर सकते हो इसकी इससे, ठीक है। मैं फिलहाल भाई ये 16 लूंस 8 ड्रैग और 4 लाइटनिंग एंग्रेज और 1 फ्रिज ये वाली कर रहा हूँ, इससे आप भाई कर सकते हो वो कर सकते हो आप सॉरी क्वीन वॉक भाई इससे बहुत तकड़ी वाली वॉक हो जाएगी इनकी, मज़े से आ जाएंगे। मैं करता नहीं हूँ क्वीन वॉक, मैं इंटरेस्ट नहीं है मेरे को क्वीन वॉक करने में, ठीक है। तो भाई आज आपको मैं लाइव रिप्ले दिखाऊंगा अपने इसका अटैक का वॉल में, आप मेरे को कमेंट में बता देना और मेरे को इंस्टा पे DM कर देना, तक मैं डिस्क्रिप्शन में आईडी दे दूंगा अपनी इंस्टा की, तो आप मेरे को इंस्टा पे DM कर देना कौन से मैं 23 या 22 या 23 इन दो पे अटैक करूं या फिर 23 और 24 का देखना, किसका देखना है आपको वो आपकी मर्जी है भाई। प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, मेरा चैनल लाइक कर देना और जितना हो सकता है उतना शेयर कर देना। थैंक यू भाई, थैंक यू।